जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 को हल करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.1 देखिए, प्रश्नावली 5.1 में कहा गया है कि प्रश्न 1 से 10 तक की समरी संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमसे कहा गया है कि संख्या को a प्लस आई बी के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। देखिए a प्लस आई बी मतलब जो भी सवाल है हमारे पास होंगी उसमें हमें जो दिया गया है उसे वास्तविक पार्ट, एक तो रियल पार्ट, दूसरा क्या इमेजिनरी पार्ट के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास प्रश्न संख्या एक है। प्रश्न संख्या एक में हमसे कहा गया है 5i इंटू माइनस 3 अपान 5i, इसे हमें कैसे लिखना है, a प्लस आई बी की फॉर्मेट में लिखना है। आपको ध्यान हो कि जो समरी संख्या होती है उसे हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, और z बराबर क्या होता है, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी लिख सकते हैं। दूसरी बात, आयोटा आई बराबर होता है रूट ओवर माइनस वन, जिसे हमने देखा था कि अगर आई स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो हम इसे लिखेंगे माइनस एक, यदि आई क्यूब की जरूरत पड़ी तो इसे लिखेंगे हम लोग माइनस आई, और यदि आई पावर फोर की जरूरत पड़ी इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एक। ध्यान से देखिए, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपनी सवाल को लगाने का, जिसे हम लोग इसे क्या करेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। हमारा यहाँ 5i का मल्टीप्लाई है माइनस 3 अपान 5i के साथ, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5i मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 अपान 5i। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यदि मैं मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते ही ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 3 अपान 5 इंटू आई इंटू आई। ठीक है ना, देखिए i का गुणा i के साथ हो जाएगा और संख्याओं का गुणा किससे हो जाएगा, संख्याओं के साथ हो जाएगा। तो इस 5 से एक बार में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस 3 गुणे आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1। देखिए i का i में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस से गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, 3। हमें इसे लिखना है a प्लस आई बी की फॉर्मेट में, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसे 3 प्लस 0 आई। ये हमारा क्या है, a प्लस आई बी का फॉर्मेट है, जिसमें a बराबर हमारे पास 3 है और b बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, ये रहा आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास है आई पावर 9 प्लस आई पावर 19। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि यदि आई की पावर बढ़े तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे किस पर, आई पावर 4 पे ध्यान रखेंगे, ताकि हम उसे तोड़ सकें आसानी से। चलिए देखिए, हमारे पास सवाल है आई पावर 9 प्लस आई पावर 19, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। अगर तोड़ते हैं ये तो ये हमारा फॉर्मेट बनेगा आई पावर 4 का होल स्क्वायर। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, आई पावर 4 का 2 कैसे होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो 4 घात घात परस्पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 4 का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8, जबकि हमें लिखना कितना है, 9, इसलिए हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा, इंटू आई। ठीक है, अब कितना हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 19 के बारे में लिखेंगे, तो 19 के बारे में क्या लिखेंगे, 19 के बारे में लिखेंगे आई पावर 4 की होल पावर कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और जो बचेगा वो कितना बचेगा, आई पावर कितना, 3 बचेगा। ठीक है, हमने लिख दिया। देखिए हमने लिखा हर जगह वही चीज है, लेकिन हमारा लिखने का जो तरीका है वो दूसरा है। हमने लिख दिया 4 की फॉर्मेट में। अब देखिए आई पावर 4 की तो वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1 होगा, इसलिए यहां जो आएगा वो क्या आएगा, आई आएगा, प्लस आई पावर 4 इंटू 4, आई पावर 4 इंटू क्या, 4, मतलब 4 चौक 16, और आई पावर 4 का मान ही देखो 1 होता है, 1 की घात 4 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1, और यहाँ क्या बचाएगा, आई क्यूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आई क्यूब की बात अगर हम लोग करें तो आई क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आई होता है। आई क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आई होता है, तो ये हो जाएगा आई प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आई, और ये हो जाएगा आई माइनस आई। ठीक है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो जो हमें a प्लस आई बी की फॉर्मेट में लिखना है उसका फॉर्मेट हो जाएगा 0 प्लस कौन, 0 आई। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, दूसरे क्वेश्चन का हल। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारे पास है आई पावर माइनस 39 आई पावर माइनस 39। ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्या लिखें, प्लस बनाएं। अगर हम इसे प्लस बनाते हैं तो ये हमारे पास जो बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपान आई पावर कितना, 39। ठीक है, अगली बात,
अगली बात हम क्या करेंगे, इस आई पावर 39 को 4 की फॉर्मेट में तोड़ेंगे। अगर हम इसे 4 की फॉर्मेट में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, आई पावर 4 की होल पावर 9। 4 की होल पावर कितना, 9, तो 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। कितना बच गया हमारे पास, अभी 3 बच रहा है शेष। अगर 3 बच रहा है तो हम लोग इसे क्या बना देते हैं, आई क्यूब बना देते हैं। देखिए अभी भी हमारे पास क्या लिखा है, ये आई पावर 39 ही लिखा है, लेकिन हमारा लिखने का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, 4 की फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि सवाल को क्या बना सकें, आसान बना सकें। क्यों, क्योंकि आई पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए आई पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इस पूरे पद का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, 1/ आई पावर कितना, 3। ठीक है, अगर आई पावर 3 देखें तो आई पावर 3 की वैल्यू तो माइनस आई होती है, इससे अच्छा 1/ आई से क्या कर ले हम लोग, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आई से ऊपर भी और आई से नीचे भी। अरे भाई अगर आप ऊपर के लिए, अगर एक बच्चे के लिए आप चॉकलेट लेके जाएं और दूसरा वाला चिल्लाएगा उसके लिए भी लेके चलते हैं, अगर आई से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो आई से कहां नीचे भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, आइए अब ये हमारा जो फॉर्मेट हो जाएगा वो हो जाएगा I/ आई पावर कितना, 4 का। ठीक है, अब आई पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आई होगा। अगर हम लोग इसे a+ib की फॉर्मेट में लिखें तो हमारा आंसर होगा 0+1i या सिर्फ i, 0 प्लस क्या, i। ये रहा हमारा क्या, प्रश्न संख्या 3। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर, जिस प्रश्न संख्या क्या है जो हमारा 4। प्रश्न संख्या 4 हमारे पास है, 3 ब्रैकेट में 7, 3 ब्रैकेट में 7 प्लस i 7 प्लस i ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या हो जाएगा, 3 का 7 में गुणा तो 3 सते 21 हो जाएगा, फिर 3 का यहाँ होगा ये हो जाएगा 21 आई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए आई क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7 आई प्लस 7 आई स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 7 का आई से 7 आई, आई का आई यहाँ पहले से तो इसलिए आई स्क्वायर और इंटू कितना 7। अब देखिए ध्यान से ये हो जाएगा कितना 21 प्लस 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 आई प्लस, ये देखिए आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। अगर आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14 प्लस 28 आई। ठीक है, ये हमारा क्या है, a+ib का फॉर्मेट है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 को क्या कर लिया है, हल कर लिया है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है 1-i माइनस -1 प्लस 6i। ठीक है, इसे a+ib की फॉर्मेट में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं कि i की जो वैल्यू होती है वो -√1 होती है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आई पावर 3 की वैल्यू होती है -i और आई पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ध्यान से आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस माइनस के अंदर क्या करना है, गुणा। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 1-i माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1, इस माइनस के साथ ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस कितना 6i। ठीक है, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7i। ठीक है, ये रहा आपका क्या a+ib का फॉर्मेट। ठीक है, हम लोगों ने इसे साधारण रूप से a+ib की फॉर्मेट में निरूपित कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 है 1/5 + 2/5i एक ब्रैकेट में और अगला है -4 + 5/2i। हमें क्या करना है, इसे a+ib की फॉर्मेट में निरूपित करना है। आइए सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं, हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम ब्रैकेट हटाएं। आइए ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 + 2/5i माइनस 4
माइनस फाइव बाई टू आई, ठीक है। देखिए माइनस अंदर गुणा होगा, प्लस फोर है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। आई वाली जो आई वाले जो पद हैं उनको एक साथ ले लीजिए, और मतलब इमेजिनरी पार्ट एक साथ ले लीजिए और रियल पार्ट एक। तो रियल पार्ट कौन कौन से हैं, रियल पार्ट है वन अपान फाइव और कौन माइनस फोर, अपान क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। हम लोग इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा टू अपान फाइव आई माइनस फाइव बाई क्या टू आई, ठीक है। ये देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस फोर, यहाँ हो जाएगा बीस बटा कितना फाइव, ठीक है। देखिए पाँच एकन्नम पाँच, पाँच चौक बीस, एक एकन्नम एक, प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा अगर पहले आई कॉमन कर ले हम लोग तो ये हो जाएगा टू अपान फाइव माइनस फाइव बाई टू और ओवर आई, ठीक है। ये हो जाएगा कितना माइनस उन्नीस बटे पाँच, प्लस पाँच दूनी कितना हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा दस, दो दूनी चार माइनस पाँच पचे पच्चीस और कौन आई, ठीक है। ध्यान से देखिए पच्चीस में से चार घट जाएगा तो कितना हो जाएगा इक्कीस, माइनस उन्नीस बटे पाँच माइनस इक्कीस बटे दस आई, ठीक है ना। ये देखिए पच्चीस में से चार घट जाएगा माइनस, ये हो गया हमारा कौन सा ए प्लस आई बी का फॉर्मेट, जिसमें से हम अगर माइनस कॉमन कर सकते हैं इससे अच्छा है कि ये ऐसे ही रहे माइनस उन्नीस बटा पाँच माइनस इक्कीस बटा दस आई, ठीक है। देख ये रहा हमारा कौन सा प्रश्न, प्रश्न संख्या छः। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या सात की ओर। प्रश्न संख्या सात की ओर देखिए, तो प्रश्न संख्या सात हमारे पास है बड़े ब्रैकेट में, फिर हमारे पास एक कौन सा ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट है, जिसमें उन्होंने लिखा है वन अपान थ्री प्लस सात बटा तीन आई, और फिर से उन्होंने ब्रैकेट क्लोज करते हुए और एक नए ब्रैकेट की शुरुआत करते हुए लिखा है कि फोर प्लस एक बटा तीन आई, और बड़े ब्रैकेट को क्लोज करते हुए उन्होंने माइनस लगाया है और लिखा है माइनस चार बटा तीन माइनस चार बटा तीन प्लस क्या आई, ठीक है। देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे इस दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए ये हो जाएगा कितना हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा एक बटा तीन प्लस सात बटा तीन आई प्लस चार प्लस चार प्लस एक बटा तीन आई, ठीक है। और माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस चार बटा तीन माइनस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक बटा तीन प्लस आई, रियल पार्ट एक पास हो गए और इमेजिनरी पार्ट एक पास करके इन दोनों में से आई हमने क्या कर लिया है कॉमन कर लिया है, ठीक है। ये रहा इसका आई कॉमन, ठीक है। और माइनस प्लस चार बटा तीन माइनस क्या हो जाएगा आई, देखिए ध्यान से इसका बटा एक करके जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा चार तीन बारह और एक कितना तेरह बटे तीन प्लस सात और एक कितना आठ बटे तीन आई प्लस कितना चार बटे तीन और माइनस क्या आई, ठीक है। चलिए अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक पास करेंगे और रियल पार्ट क्या करेंगे एक पास करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना तेरह बटे तीन प्लस चार बटे तीन प्लस आठ बटा तीन तीन माइनस एक ब्रैकेट क्लोज इंटू आई, दोनों में से हमने क्या कर लिया आई उभयनिष्ठ कर लिया है। ये हो जाएगा चौदह में तीन जोड़ेंगे सत्रह बटे तीन प्लस यहाँ हो जाएगा तीन एकन्नम तीन और आठ में से तीन गए पाँच बटा तीन आई, ठीक है ना। ये हमारा रहा ए प्लस आई बी का फॉर्मेट, ठीक है। इस प्रकार से ये रहा आपका प्रश्न संख्या सात, नोट कर लीजिए पाँच छः और सात सात में है, ठीक है। प्रश्न संख्या आठ हमारे पास है वन माइनस आई की होल पावर फोर, हमें क्या करना है इसे ए प्लस आई बी की फॉर्मेट में क्या करना है लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए वन माइनस आई की होल पावर जो फोर हमें दी गई है इसे हम लोग क्या करेंगे, इसकी घात पे ध्यान से देखिए चार है, हमारे पास कोई भी ऐसी सर्वसमिका का सूत्र नहीं है जिसमें ए प्लस बी का या ए माइनस बी की होल पावर फोर हो। तो हम लोग क्या करेंगे इसे तोड़ लेंगे, जब इसे तोड़ेंगे तो देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए इसे लिख रहे हैं वन माइनस आई का होल स्क्वायर और पूरे का क्या लिख रहे हैं हो स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो दूना कितना हो जाएगा चार, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा चार बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मझले ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। जब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सममित संख्या में सामान्य बीजगणित लग जाती है, तो हम लोग सामान्य बीजगणित जब यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस आई का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, माइनस दो गुणे पहला पद इंटू कौन सा दूसरा पद, और इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े हैं तो देखें यहाँ क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस वन। क्यों? क्योंकि सममित संख्या में हम जानते हैं कि आई का जो मान होता है आयोटा वो होता है रूट अंडर माइनस वन, और आई स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है क्या माइनस वन, आई पावर तीन का मान होता है क्या माइनस आई, और साथ में आई घाते चार का मान होता है एक, ठीक है। ये है सब आई के फॉर्मेट। तो हम लोग आई स्क्वायर का मान क्या रख देंगे माइनस एक रख देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस टू और कौन आई की होल पावर कितना दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा एक में से घट जाएगा तो जीरो बचेगा, कौन माइनस टू आई की होल पावर कितना आठ दो बचेगा, ठीक है। अब इस पावर को जब तोड़ेंगे तो पावर हमारी टूटेगी तो ये हो जाएगा कितना माइनस, जब ये माइनस है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दो का वर्ग हो जाएगा चार, आई का क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। ये कुल मिला जुला के हो जाएगा क्या हमारे पास फोर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वैल्यू रखेंगे आई स्क्वायर की क्या माइनस एक, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से माइनस एक हो जाएगी, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस चार, ठीक है ना। ये रहा हमारा कौन सा प्रश्न संख्या आठ का हल, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या आठ के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, नौ पे आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या नौ हमारे पास है वन अपान थ्री, वन अपान थ्री प्लस थ्री आई, वन अपान थ्री प्लस थ्री आई की होल पावर कितना है तीन है, ठीक है ना। वन प्लस वन अपान थ्री प्लस थ्री आई का होल पावर तीन, तो देखिए हमारे पास यहाँ होल पावर तीन है और हमारे पास सर्वसमिका में भी पावर तीन के लिए सूत्र हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सूत्र, ए प्लस बी की होल पावर तीन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस तीन ब्रैक तीन इंटू ए बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला है। हम सामान्यतः यहाँ क्या कर देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब ही लगा देते हैं। तो देखिए जब ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले वाले पद का क्या हो जाएगा क्यूब वन अपान थ्री का क्यूब प्लस दूसरे वाले पद में क्या है तीन आई है तो इसका क्या हो जाएगा तीन आई का क्यूब, फिर क्या हो जाएगा प्लस तीन ए बी, कितना तीन ए बी, क्या हो जाएगा तीन गुणे ए का मान एक बटा तीन इंटू कितना तीन आई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा तीन गुणे एक बटा तीन इंटू कितना तीन आई, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वन अपान थ्री प्लस कितना थ्री आई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक बटा कितना हो जाएगा सत्ताईस, ठीक है ना। यहाँ देखिए हल करेंगे आगे, प्लस तीन का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा सत्ताईस, और आई की पावर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तीन से ये वाला तीन हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ बचेगा केवल और केवल कौन प्लस तीन आई, ठीक है। ब्रैकेट में वन अपान थ्री प्लस कितना थ्री आई, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान से देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपान सत्ताईस प्लस सत्ताईस आई पावर तीन, आई पावर तीन को देखिए आई पावर तीन का मान क्या होता है माइनस आई होता है, हम लोग यहाँ क्या रख देते हैं यहाँ इसे माइनस आई रख देते हैं, ठीक है। और इस तीन आई का इस ब्रैकेट में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस तीन आई मल्टीप्लाई बाई वन अपान थ्री प्लस इस तीन आई का तीन आई में होगा तो ये हो जाएगा कितना तीन त्रिका नौ, आई का आई के साथ होगा तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। हमने आई इंटू आई ही लिखा है, ध्यान से देखिए अब ये हो जाएगा वन अपन सताईस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस सताईस आई, फिर इस तीन से ये वाला तीन कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा प्लस आई बचेगा, ठीक है। और ये देखिए आई इंटू आई का मतलब आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, ये जो प्लस नौ है वह क्या हो जाएगा माइनस नौ हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो रियल पार्ट है, हमारे पास कौन कौन से रियल पार्ट है वन अपान सताईस और नौ, ये दोनों रियल पार्ट एक साथ लिख लीजिए, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट एक पास लिख लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा वन अपान सताईस माइनस कितना नौ, वन अपान सताईस माइनस कितना नौ, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस सत्ताईस आई प्लस कितना आई, ठीक है। चलिए रियल पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 27, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा हल करेंगे तो माइनस वन सत्ताईस सेकंड नाम सत्ताईस एक का एक में गुड़ा हुआ एक, एक को 27 से करेंगे भाग तो 27 बार जाएगा, और 27 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 सते 63, 9 सते 63 हासिल कितना 6, 9 दुनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 8, 6 18 6 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24।
माइनस 27 में से जब एक आई घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26 आई, ठीक है ना। देखिए 243 में से एक घटा लीजिए, 243 में से घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, माइनस 242 बटा कितना 27 माइनस 26 आई, ठीक है ना। ये रहा, अगर देखें ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो यही है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये रहा आपके लिए क्या प्रश्न संख्या 9, ये रहा आपके लिए प्रश्न संख्या 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी रफ में नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रश्न संख्या 10 हमारे पास माइनस 2 क्या है, माइनस 2 माइनस 1/3, माइनस 2 माइनस 1/3 आई की होल पावर कितना 3, ठीक है। ये देखिए पिछले सवाल की तरह भी हमारे पास यहाँ क्या है, होल पावर 3 है, ठीक है ना। हम फिर से क्या करेंगे, इस पावर को तोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग अगर सूत्र लिखें, क्या लिखें, सूत्र लिखें, तो ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है ना। ए माइनस बी का क्या होता है, होल क्यूब होता है। या हमारे पास पहले वाले रियल पार्ट में भी माइनस है और इमेजिनरी पार्ट में भी क्या है, माइनस है, दोनों में माइनस है। ध्यान से देखिए, तो हमारा जो सूत्र होता है वो इस टाइप से बनता है। अगर प्लस के लिए सूत्र लिखते हैं तो बनता है पहले पद का क्यूब, ठीक है, फिर क्या बनता है, प्लस दूसरे पद का क्यूब, ठीक है। आप ये सूत्र समझिए ध्यान से, फिर क्या बनेगा, प्लस 3 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया, आपको भी कुछ नहीं करना है, जो सवाल यहाँ दी जा रही है उस सवाल के लिए भी हमें इसी टाइप से क्या करना है, तोड़ना है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों में से माइनस को क्या ले लें, उभयनिष्ठ ले लें। यदि हम माइनस को उभयनिष्ठ लेते हैं तो माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 की होल पावर कितना 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, घात 3 है। जब भी उसमें से कुछ निकलेगा ब्रैकेट में से तो उसकी भी पावर कितनी रहनी चाहिए, 3 रहनी चाहिए। हमने माइनस निकाला 1 के साथ तो कितनी पावर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो हमारा ब्रैकेट बचेगा उसमें ये 2 रहेगा जो वो प्लस में रहेगा, और ये रहेगा 1/3 आई की होल पावर क्या 3, दोनों क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। अब आप आसानी से ये सूत्र भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हम लोग इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1/3 आई की होल पावर कितना 3, प्लस 3 गुड़े 2 गुड़े कितना 1/3 आई, और ब्रैकेट में कितना 2 प्लस 1/3 आई, ठीक है ना। ये रहा, देखिए ध्यान से इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2 × 4 × कितना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस कितना हो जाएगा, 1/27 आई पावर कितना 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 आई बचेगा, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 2 प्लस 1/3 आई, ठीक है। ये रहा, आगे देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 8 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 27 आई पावर 3, आई पावर 3 का मतलब कितना, माइनस आई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आई, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, 2 × 4 आई, 2 × 2 कितना 4 आई, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 आई स्क्वायर, ठीक है। देखिए आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस 1 होता है, तो आई स्क्वायर का मान माइनस 1 यहाँ रख दीजिए, 8 प्लस 1/27, अच्छा यहाँ प्लस की जगह क्या कर दें, इस बार माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस इसके पास आएगा तो क्या बना देगा, इनको माइनस बना देगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 आई, और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस 2/3, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास रियल पार्ट 8 है और माइनस 2/3 है, तो बाहर तो हमारा क्या रहेगा, माइनस बैठा ही रहेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2/3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस लिख लेते हैं, 4 आई माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 1/27 आई, 1/ क्या हो जाएगा, 27 आई। अगली लाइन में हम क्या करते हैं, आई उधर से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 × 3 = 24 माइनस 2 × 91 कितना 2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 माइनस 1/27, इसका भी बटा 1 करके यहाँ क्या लिख लेते हैं, आई बाहर कॉमन हो गया, ठीक है। देखिए आई यहाँ भी है और आई यहाँ भी है, इस वजह से आई दोनों में से क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 24 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22/3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 27 चौका 68, 7 चौका 28, हासिल कितना लगेगा 6,
सात चौक 28 हासिल, दो सात दूनी 14 और दो कितना हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है, चार सत्ते 28 हासिल दो, चार दूनी 8 दो 10, ठीक है, और एक एकन्नम कितना, एक बटा कितना 27 आई, ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए और आंसर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर, माइनस 22 बटा 3 माइनस 107 बटा 27 आई, ठीक है, ये रहा आपका क्या ए प्लस आई बी की क्या फॉर्मेट में, ठीक है, ये रहा आपके लिए प्रश्न संख्या कौन सा 10, ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 11 से 13 तक की, प्रश्न संख्या 11 से 13 तक की समरी संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आइए गुणात्मक प्रतिलोम सीखते हैं। यहां इन्होंने गुणात्मक प्रतिलोम जो कहा है यह कहने का तरीका इनका दूसरा है, बाकी हम लोगों ने गुणात्मक प्रतिलोम के लिए जो पढ़ा है वह जेड बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है, जेड बार, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, संयुग्मी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, संयुग्मी। जैसे हमने आपसे कहा था यदि कोई समरी संख्या जेड है वो क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, एक्स प्लस क्या है, आई वाई है, तो हमसे अगर इसका संयुग्मी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, संयुग्मी पूछा जाए, तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे, वन अपान जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन अपान जेड लिखेंगे। वन अपान जेड से क्या बनेगा, जेड इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा, जेड इनवर्स बनेगा, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड बार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जेड बार भी। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आपको लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से छांट करके जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो यही है, ठीक है, डायरेक्टली कि जेड इनवर्स या वन अपान जेड या जेड बार बराबर जेड बार अपान जेड मॉड ऑफ जेड का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वन अपान जेड ज्ञात कर लेना है और वे तरीके जो आपको, जो भी तरीके आपसे आप लगाएंगे वह तरीका ही क्या होगा, एकदम बेस्ट होगा, और उससे भी आप क्या कर सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम जो संख्या दी गई है, जो समरी संख्या दी गई है उसका वन अपान ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम पहली सवाल लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 लेते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में उन्होंने कहा है 4 - 3i, मान लेते हैं, माना, ठीक है, जेड बराबर 4 - 3i, ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया है, मान लिया है जेड बराबर, ठीक है। अब जेड बराबर हमें तो पता है कि जेड बराबर हमारे पास क्या है, 4 - 3i, ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वन अपान जेड ज्ञात करना है, ठीक है। अब वन अपान जेड को ही तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स लिख सकते हैं। आपको याद हो तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी में जेड इनवर्स के लिए सूत्र पढ़ा था, मॉड जेड इनवर्स के लिए सूत्र पढ़ा था, जेड बार अपान मॉड आप क्या, जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए सूत्र हमने लिखा है, सबसे पहले तो हम इसी विधि से आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा और उसके बाद वन अपान जेड को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इस विधि से लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें मॉड जेड निकालना पड़ेगा और मॉड जेड के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ 4 - 3i, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर, या हो जाएगा रूट अंडर 4 * 16, 3 * 3 का कितना 9, और इसे बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको समझ आया होगा कि 16 में हमने 9 जोड़ा तो कितना बन गया, 25 बन गया, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्या, मॉड ऑफ जेड, ठीक है। अब मॉड ऑफ जेड हो गया तो हमें क्या निकालना है, जेड बार, तो जेड बार के लिए हम सीधा इसका संयुग्मी लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा जेड इनवर्स बराबर वो हो जाएगा 4 + 3i अपान कितना 5, ठीक है, ये है आपका क्या आंसर। लेकिन हम इसे वेरीफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, ध्यान से देखिए, इसे वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहां दूसरे तरीके में लगा रहे हैं, स्टार पॉइंट बना के देखिए, हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वन अपान जेड, क्या ज्ञात कर रहे हैं, वन अपान जेड, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम लिख लेते हैं, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, वन अपान जेड, और गुणात्मक प्रतिलोम को लिखेंगे कैसे, जेड बार से लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन अपान जेड की वैल्यू क्या है, 4 - 3i, ठीक है। अब क्या कीजिए, जेड 4 - 3i को क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण, क्या परिमेयकरण। अब आप परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा जेड बार बराबर 1 / 4 - 3i मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 + 3i अपान 4 + कितना 3i, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड बार बराबर 4 + 3i अपान एक ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में क्या a + b, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 * 16, कितना हो जाएगा 4 * 16, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा
थ्री आई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। देखिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या, फोर प्लस थ्री आई अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस, तीन त्रिक्का नौ और क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है, तीन त्रिक्का नौ माइनस क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फोर प्लस थ्री आई अपान कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस नौ, तो आंसर हो जाएगा फोर प्लस थ्री आई अपान क्या 16 नौ कितना 25, ठीक है, ये आंसर होगा। अच्छा यह आंसर हमारा क्या है 5 है जो, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए मॉड ऑफ जेड का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, हमने मॉड जेड की वैल्यू कितनी निकाली है 5 निकाली है, तो इसका स्क्वायर करके तो हमें रखना है, तो यहाँ हो जाएगा जेड इनवर्स बराबर 4 प्लस 3 आई अपान कितना 25, ठीक है। ये देखिए दोनों आंसर क्या है सेम है, ठीक है ना, दोनों आंसर क्या है हमारे पास सेम है, आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके का क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं, बस अंतर इतना ही है कि आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बेहतर होगा, क्यों, क्योंकि जेड इनवर्स बराबर मॉड जेड बार अपान मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर सब नहीं जान रहे हैं, ठीक है, इस वजह से आप क्या करेंगे प्रॉपर्टी लगाने का भी प्रयास करेंगे, बाकी गुणात्मक प्रतिलोम लगाने का ये हमारा कौन सा तरीका बेसिक तरीका है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, रूट अंडर 5 प्लस 3 आई, रूट अंडर 5 प्लस 3 आई, ठीक है, मान लेते हैं, माना z बराबर रूट अंडर 5 प्लस 3 आई, ठीक है। देखिए हम लोग अगर देखें तो हम लोग दूसरे तरीके से चलते हैं इस बार, ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा, z का गुणात्मक प्रतिलोम, z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1 अपान z, इसे लिखेंगे z बार बराबर 1 अपान रूट अंडर 5 प्लस कितना 3 आई, ठीक है, क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो लिखेंगे क्या परिमेय नहीं लिखते हैं, यहां लिखते हैं क्या कि रूट अंडर 5 प्लस 3 आई के संयुग्मी से गुणा एवं भाग करने पर, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा z बार बराबर 1 अपान रूट अंडर 5 प्लस 3 आई मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 माइनस 3 आई अपान रूट अंडर 5 माइनस 3 आई, ठीक है, ये हो गया। देखिए हम क्या करेंगे अब इसे हल करेंगे तो इसका अंश का गुणा अंश में होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, यहाँ देख पा रहे हैं हम, यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और अगले में क्या है a माइनस बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा z बार बराबर रूट अंडर 5 माइनस 3 आई अपान रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 आई का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा क्या z बार बराबर रूट अंडर 5 माइनस 3 आई अपान यहाँ हो जाएगा 5 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 आई का स्क्वायर, ठीक है। आगे लाइन में देखिए यहाँ हो जाएगा क्या z बार या 1 अपान z बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस 3 आई अपान यहाँ हो जाएगा कितना 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस एक और आई स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 9 और हमारा आंसर होगा जेड बार बराबर रूट अंडर 5 माइनस 3 आई अपान 14, ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 में हमें उन्होंने दिया है सवाल में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है माइनस आई, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी ए प्लस आई बी की फॉर्मेट लिखते हैं, इसकी जो फॉर्मेट बन जाएगी उसे मानते हुए लिखते हैं कि माना जेड बराबर 0 माइनस आई, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई फॉर्मेट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे जेड का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1 अपान जेड, तो ये हो जाएगा क्या जेड बार बराबर 1 अपान 0 माइनस क्या हो जाएगा आई, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 0 माइनस आई के संयुग्मी से गुणा एवं भाग करने पर। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा z बार बराबर 1 अपान 0 माइनस आई मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस आई अपान 0 प्लस आई, ठीक है,
देखिए अब ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा क्या, z बार बराबर 0 प्लस आई अपान क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, एक में a माइनस बी एक में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस आई का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा z बार बराबर आई बटा आई स्क्वायर का मान माइनस एक, इसलिए माइनस माइनस दो बार आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास z बार बराबर आई बटा क्या एक, या हम लोग लिख सकते हैं z बार बराबर क्या आई। ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर किसके लिए, प्रश्न संख्या 13 के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। देखिए 3 प्लस आई रूट 5 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में गुणा करते हुए 3 माइनस आई रूट 5 अपान पूरे का बटा है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस आई 3 प्लस अंडर रूट 2 आई एक ब्रैकेट में, फिर हमारे पास है माइनस माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस आई रूट 2 है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इसमें जो सवाल दी गई उसमें अंश भी है और कौन है हर है, अंश में हमारे पास a प्लस बी है एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, दूसरे में क्या हो जाएगा माइनस रूट 5 आई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपान, ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ तो क्या है गुणा तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे सामान्यतः, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 आई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और आई का क्या हो जाएगा आई स्क्वायर अपान, यहाँ क्या हो जाएगा रूट टू आई जुड़ के कितना हो जाएगा 2 रूट 2 आई। ठीक है ना, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो आई स्क्वायर की जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5 अपान कितना 2 रूट 2 आई। ठीक है, अब देखिए 9 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 अपान 2 रूट 2 आई। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, किससे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 7 17 14। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा 7 बटा अंडर रूट 2 आई। ठीक है, अब हम हर से क्या हटाना चाहेंगे आई को हटाना चाहेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं आई पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कितने से आई पावर 3 से, देखिए आई पावर 3 से ऊपर भी गुणा और आई पावर 3 से नीचे भी गुणा, इस वजह से कि ये आई पावर 4 बनेगा और इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 7 आई पावर 3 अपान कितना अंडर रूट 2 आई पावर कितना 4। ठीक है, आई पावर 4 का मान कितना 1 और आई क्यूब का मान क्या माइनस आई, इसलिए आंसर होगा हमारा माइनस 7 आई बाई रूट 2। ठीक है ना, ये है क्या आपका आंसर। ठीक है, अगर आप रूट 2 को भी हटाना चाहें तो रूट 2 से भी ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अच्छा आइए इसे सॉल्व कर देते हैं और आगे तक, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 7 आई अपान रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 अपान रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस 7 रूट 2 आई अपान कितना 2। ठीक है, ये भी आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।